हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे ध्रुव राठी ने बीजेपी पार्टी को एक्सपोज करके रख दिया। वही प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों की दुहाई देते थे, लेकिन आज सारे भ्रष्टाचारी उन्हीं के पार्टी में कैसे शामिल हो गए। तो देखते रहिए वीडियो, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। आपको लूटते हैं, आपके अधिकारों को लूटते हैं। आप मुझे बताइए, गरीबों को जिन्होंने लूटा, गरीबों को जिन्होंने लूटा, उन्हें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मैं साबित करना चाहता हूँ कि तू कितना कमीना और गिरा हुआ इंसान है। आज मैं दुनिया के सामने बताऊंगा तेरा असली रूप क्या है। की गारंटी चारों तरफ हर जगह यही एड छाप रखी है। कुछ दिन पहले एक भाषण में गारंटी दी थी भ्रष्टाचार को लेकर। इतनी बेशर्मी से इतना बड़ा झूठ सिर्फ वही इंसान बोल सकता है जो मानकर बैठा हो कि भाई जनता तो बेवकूफ है, मैं जो बोलूंगा वो अंधाधुंध मेरी बातों में विश्वास कर लेंगे। इस गारंटी की असलियत सुनो। हिमंता बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोलगेट स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अशोक चव्हाण आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अजीत 70,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। प्रफुल पटेल 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। शुभेंदु अधिकारी 10,000 करोड़ शारदा चिटफंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 2014 से 25 ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगे थे, और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और ये करप्शन के आरोप बीजेपी ने ही लगाए थे। चूतिया बनाया तुमको। इनमें से 23 के ऊपर जो अब करप्शन केसेस चल रहे हैं उन्हें भुला दिया गया है। इतना ही नहीं, इस इलेक्शन में लड़ने वाले 28% बीजेपी के कैंडिडेट्स एक्चुअली में बाकी पार्टियों से डिफेक्ट होकर बीजेपी में आए हुए हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सच बात यह है कि सारे भ्रष्टाचारी आज के दिन बीजेपी के अंदर है, और इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। जो नेता सलाखों के पीछे है वो तो वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे पॉलिटिशियंस जिनके खिलाफ ना कोई मनी ट्रेल मिला है ना कोई करप्शन साबित हो पाया है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।